नमस्कार दोस्तों, आज हम ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे जो बच्चों के स्वेटर में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे बनाने के लिए आप 4 के मल्टीपल प्लस 1 फंदे ले लें। ये डिज़ाइन 4 लाइन में बन के तैयार होता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। आप पहले 3 फंदे बुन लें, चौथा फंदा उतार लें, फिर नेक्स्ट 3 फंदे बुन लें, चौथा उतार लें, नेक्स्ट 3 सीधा बुन लें, चौथा उतार दें, फिर नेक्स्ट सीधा बुन लें, चौथा उतार लें, 3 फंदे सीधे, चौथा उतार लिया जाएगा, 3 फंदे सीधे, चौथा उतार लिया जाएगा और एक फंदा जो बचा है उसको सीधा बुन लीजिए। पीछे से उतारा गया फंदा उतार लीजिए और बुना हुआ फंदा पीछे से भी सीधा बुनना है। जो फंदे बुने गए थे उसे सीधा बुन लीजिए और फिर ऊन अपनी तरफ कीजिए, उतारा हुआ फंदा उतारिए और फिर ऊन सामने कर दीजिए, फिर 3 फंदे सीधे बुन लीजिए, फिर ऊन अपनी ओर कीजिए, फंदा उतारिए, ऊन दूसरी ओर कीजिए, 3 फंदे सीधे बुन लीजिए, फिर ऊन अपनी ओर, फंदा उतारिए, फिर दूसरी ओर करके 3 फंदे सीधे बुन लीजिए। उतारते समय सिलाई जो है वो फंदे के अंदर से डालेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुन लीजिए, फंदा उतारिए, 3 फंदे सीधे बुन लीजिए। तीसरी लाइन में जो 3 फंदे बुने गए थे वो अब 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। उतारा हुआ फंदा उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट 3 फंदे उल्टे बुन लीजिए, उतारा हुआ फंदा उतार लीजिए, नेक्स्ट फंदे उल्टे बुने, ऊन दूसरी ओर कीजिए, फंदा उतारिए, फिर ऊन अपनी ओर कीजिए, 3 फंदे उल्टे बुन लीजिए, उन दूसरी ओर कीजिए, फंदा उतारिए, उन अपनी ओर कीजिए, फिर 3 फंदे उल्टे बुन लीजिए, फिर उन दूसरी ओर कीजिए, फंदा उतारिए, 3 उन अपनी ओर कीजिए, 3 फंदे उल्टे बुन लीजिए, फंदा दूसरी ओर कीजिए, फंदा उतारिए, लास्ट फंदा भी उल्टा बुन लीजिए। अब चौथी लाइन में बिने गए फंदे सीधे बुने जाएंगे और उतारे हुआ फंदा उतार लिया जाएगा, फिर बुना हुआ फंदा 3 फंदा जो है वो इस लाइन में सीधा बुना जाएगा। इसी तरह उतारा हुआ फंदा उतार लीजिए और बुना हुआ फंदा सीधा बुनते हुए पूरी सिलाई बुन लें। अब दूसरे रंग का ऊन लीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, नेक्स्ट फंदा उतार लीजिए, फिर 3 फंदे सीधे, फिर नेक्स्ट उतार लीजिए, फिर 3 फंदे सीधे। आप देख रहे हैं कि जो फंदा उतारा गया था उसके अगल बगल वाले 2 फंदे लेके इस बार उन्हें 3 सीधा बुना जा रहा है। नेक्स्ट उतारिए, फिर 3 फंदे सीधे। नेक्स्ट उतारिए,
तीन फंदे सीधे, इसी क्रम में पूरी लाइन बुन लें। पीछे से उतारे गए फंदे उतार लेंगे और बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे। उतारा हुआ फंदा उतार लिया जाएगा और बुना हुआ फंदा सीधा बुना जाएगा। इस तरह आप पूरा लाइन बुनना। तीसरे लाइन में बुना हुआ फंदा उल्टा बुना जाएगा और उतारा हुआ फंदा उतार दिया जाएगा। बुना हुआ फंदा, तीन फंदे थे उनको उल्टा बुन दिया जाएगा और उतारा हुआ फंदा उतार दिया जाएगा। इस क्रम में पूरी लाइन बुन लीजिए। पीछे से बुना हुआ फंदा सीधा बुना जाएगा और उतारा हुआ फंदा उतार दिया जाएगा। बुना हुआ फंदा सीधा बुन लें और उतारा हुआ फंदा उतार लें। इस तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लें। चार लाइन कंप्लीट हो गया है। अब फिर पहले वाले उनसे तीन फंदा सीधा बुन लें, चौथा फंदा उतार लें। यानी जैसे हमने पहले लाइन में किया है वैसे ही तीन फंदे सीधे, चौथा फंदा उतार लिया जाएगा, तीन फंदा सीधे, चौथा फंदा उतार लिया जाएगा। इसी तरह पूरी लाइन बुन ली जाएगी। पीछे से उतारे हुए फंदे उतार लिए जाएंगे और बुने हुए फंदे पीछे से भी सीधे ही बुने जाएंगे। तीसरी लाइन में बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और पीछे से सीधे। इस तरह चार लाइन का ये क्रम बनता जाएगा और ये डिज़ाइन बनती जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।